का जिंदा न छोड़ो बड़ा लहकट आदमी है। मेरी बहन तेरे पास आई थी अपनी इज्जत की भीख मांगने के लिए, लेकिन तूने हाँ साहब डॉक्टर अबराल अली आयुब खान के व्यवहारिक टल्लू भाई, ये तीनों भाइयों की ओर से 10 रुपया और उनका कहना है ऐसे सेठन का तो गांव में रहे न दियो, इनका नाम और निशान मिटा दियो। आज इसका नाम निशान मिटाएंगे कि ये ओट डालने के काबिल नहीं रहेगा। चल जयराम सेठ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। विष बंदूक की पहली गोली मेरी बहन की होगी और दूसरी गोली ये गरीब बस्ती के गरीब लोगों की होगी और तीसरी गोली मेरी माँ भवानी की होगी। चल मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे साथियों, तुम लोग अपने घोड़े से कबीले पहुंचो और मेरा इंतजार करना, जब तक हम ना आए तब तक तुम लोग कबीले से बाहर नहीं जाना। जैसे कि सरदार जी, क्योंकि हम इस लड़की से कुछ बात करना चाहते हैं। जी सरदार। नीतू, हम एक चीज तुमसे पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? और जो भी पूछे सही बताना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। हम जानना चाहते हैं कि तुम दयाराम के शेख के जंगल में कैसे फंस गए? मेरे भैया ने, हाँ बोलो, मेरे भैया ने नागराज से मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं मुझसे। मैंने इनकार कर दिया, मेरे हाथ में हथकड़ी लगवा दी, मैंने हथकड़ी निकाल कर भाग गई, सेठ के पास आई, सेठ मुझे जबरदस्ती फेर करने लगे। यानी कि तुम्हारा भाई नागराज के साथ जबरदस्ती शादी करने का और तुम हथकड़ी खोलकर भागकर दयाराम के पास पहुंचे और वो दयाराम तुम्हारे साथ जबरदस्ती इज्जत के साथ वाले खेलने की कोशिश किया। नीतू आओ हम तुम्हारे साथ। बोलो, यही तना का जुगाड़ करना हम भेड़ की। हाँ हाँ, अभी जुगाड़ करेंगे। काज इतना कोहरा हमारा ठंडी नहीं लगा।
हम जुगाड़ करेंगे, लेकिन नीतू से कुछ बात कर रहे हैं। नीतू तुमसे कि 100 साल पहले, अरे हमें तुमसे प्यार था, जिया पे करार था, आज भी है। समय बहुत कम है और चलो आज हम तुम अपने साथ लेकर तुम्हें चल रहे हैं, तो मेरे साथ कबीले में रहोगे। ठीक है, चलो। हम तुम चोरी से डोरी से जइयो कहां दरवाजे हैं सब में ताला लगा दो, ताला लगा दो। आराम करने जाते हैं, अगर कोई आता है तो हिम्मत बताना जमींदार साहब घर में। ठीक है जमींदार साहब, ताला सब लगा दें, लेकिन थोड़ी समझ की बाहर कह दें। हां साहब, अबराल अली, डॉक्टर अबराल अली, अयूब खान, उनके दोस्त कल्लू भाई, ये तीनों भाइयों दौर से 21 रुपया पार्टी कोर के हार्दिक स्वागत। जो
हराम और मौत करे न तू दिल जा गई ले ले हर का पहचाना कि मैं कौन हूं कौन नहीं हूं, केवल तुम डाकू के नाम से जानते हो। और सुनो कि मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं कौन नहीं हूं, किसका भाई हूं और किसका बेटा हूं। क्या हो गई अंत तुम जान, क्या नामत करी हो पति अपने बापू की मैं शेर दिल नाम मेरा समाज की बात है। तलवार दे दे कि हंटर चला दे। नहीं तलवार तो देवे करे लेकिन हंटर दिन का उहार तो ठीक है। दे प्रोग्राम करा लिया नाश्ता के नहीं सुनते। एक काम करो, अरे लखन सिंह हम हुक्म देते हैं, तुम मेरा सच्चे दिल से साथ देते हो ना, जो हम कहते हैं तुम करते हो ना। अगर नहीं करोगे तो, अगर नहीं करोगे तो ऐसी जगह पर गोली मारूंगा कि गोली को जोर नहीं लगेगी, गोली शराब चंदर हो जाएगी। पहले ये सोचो कि गोली किस जगह पर कितने लगे कहाँ पड़ेगी। हाँ अभी एक काम करो, इनके कपड़े उतारो और कपड़े उतार के कायदे से समझाओ, ये मेरा हुक्म है। आज जिम्मेदार राणा सिंह तीन दिन धमाती है झरवार है पानी तुम्हें फेर ले जाता है। अबे क्या कपड़ा नहीं क्या तेरे पास? कपड़ा हुआ जाए ना हुआ, कपड़ा उतारो अपन नेमुआ संतरा सेब संतरा हरचंदपुर बेचो, यहां जिम्मेदारी करियो। खत्म, केला संतरा बचे हैं। समझ आ गया के लड़का बच्चा जी एक ये धोती जो कमर में बांधे इसको भी खोलो, खोलो धोती खोलो। ये 10 रुपया मलखान आपके लिए,
और तुलसीराम का कहना है इनका एक कोर्रा नहीं डबल कोर्रा से मारो, 60 रुपया 60 रुपया सेब हमका। अबे 10 रुपया तुलसी के वापस कर दिया, कहे नहीं हमका सेब मलूट ले कर गया 10 रुपया वापस। आओ ठाकुर देखो मलखान, हमने तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं किया, ठीक है, हमारे साथ कोई गलती नहीं किया। चलो ये जो हमारी माता बहने बाबा के दरबार में बैठे हैं, हमारे भाई लोग और हमारे पिता लोग जो बैठे हैं, अगर बाबा के दरबार में ये लोग बैठे हैं और तुम इनसे माफी मांग लो, अगर ये लोग बाबा के दरबार में अगर तुम्हें माफ कर देंगे तो हम वादा करते हैं कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया है उस माँ की शक्ल एक हंटर नहीं चलाऊंगा। अरे सब लोग माफ कर देंगे। मार दिया जाए छोड़ दिया जाए मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बोल के ले
सरदार जी बोल डॉक्टर जबराल अली आयुब खान और हमारे कल्लू भाई ये तीनों भाइयों की ओर से 10 रुपया इनाम आ रहा पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत और सुन ए काय कल्लू अभी खबर मिली है कि जो वो नागराज है राजस्थान को छोड़कर वो बाहर जा रहा है यानी सऊदी अपने अपने घोड़े तैयार करो इससे पहले कि वो हवाई अड्डा पर पहुंचे हम उसे बीच में ही कैद करते हैं आओ मेरे साथ तैयार हो चलो लाठी मनाली है बाण राम का मुरली हमारे द्वार पे इतनी जनता क्यों है लंबरदार जनता ना पूछो अब तो तुम गए हो क्या मतलब अब गए हो जनता के सामने जाओ आप पूछो कि क्या परेशानी है ये जनता के सामने गैंड परेशानी पूछे या जनता बताई से कि आज नागराज सिंह मारे जाएंगे और बलखान मारने के लिए आ रहा है हम लोग उनकी मौत देखना चाहते हैं साला मलखान 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 क्या होगा उसकी हिम्मत है कि हमारे सामने आए हमका लागत पुतवा चली निनौरे भाग चली क्या चीज निनौरे का है हमका लागत हेर ढूंढत हो पाई पाई निकल गई जा पूछ के आओ अब कुर्सी क्या होगी कुर्सी हौला खबर में कुर्सी बोलिए रंधावा अच्छा काहे नहीं काहे कब कुर्सी पर बैठे तो है नहीं नहीं हमका छुट्टी दे दियो किस लिए छुट्टी दे दियो छुट्टी एलिए दे दियो कि हमका घर में हमारी हिया दे आवा फोन फोन हां क्यों क्या हुआ हमार नानी खत्म हो गई नानी खत्म हो गई हां अच्छा फिर थोड़ी देर में साइकिल लेके गांव के बाहर निकले लागे पहले बताओ कितने जने तुम्हारे यहाँ हैं और कितने जने खत्म हुए तीन तीन मिट्टी हुई है एक नहीं तीन तीन मिट्टी हमारे लड़कन की नानी खत्म हो गई अच्छा हम कहें चलो भाई तैयारी करो बुढ़ापा में हो गए जैसे गांव तो निकले लगे वैसे ने जने गोराई कहें रुका हो रुको कहें तुम्हारी सास खत्म हो गई दो हो गए हम रोई की रोई बहने करी अरे भाई रोई वाली बात है ठुंडत गांव बाहर पहुंचे हां एक जने बुढ़ऊ बैठ रहा है कहन भैया मैं गए नहीं हम कहन कहां हो कहन तुम्हारी दुल्हन की अम्मा खत्म हो गई हम कहन अब हमका साधन लियो यानी तीन तीन मिट्टी तीन तीन मिट्टी हो गए हमका छुट्टी दियो मालिक इधर आओ पहले बताओ तीन तीन मिट्टी हो गई मरना सभी को है अरे हाँ हम तुम नहीं मरे ना लेकिन वो बूढ़ी थी मर जाने दो अरे तो कहा जो जवान थी क्या तो पहले कौन खत्म हुआ भैया गिनती लगा रहे हो लड़कन का नानी एक दूसरा हमारी दुल्हन की अम्मा खत्म हुई वो तुम्हारी कौन है सास सास और तीसरा सास खत्म हो गई वो तुम्हारी कौन है वही सास वो सास यानी सब सास बात साले एक आई बताने का उल्टा सीधा हमार चुट फाड़ दी देखो उनकी गलती नहीं है
भाई तीन लोग थे, तीन तरह की बातें बताया, लेकिन किसी ने कहा तुम्हारी नानी मर गई, किसी ने कहा कि तुम्हारी सास मर गई, किसी ने कहा लड़का अम्मा मर गई, बात हुई। और तुम इतने परेशान हो गए, हम कहीं तीन तीन मिट्टी इकट्ठे कहीं भी नहीं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरे हाथ से आज मुल्के अदम की तब जाए यानी बंदूक की धमकी देता है तो बाप तेरा जब बंदूक को देखा नहीं साल फलतू को हमको दिखाता है तू राजपूतों का खून अब काम तुम्हें वो मैं कुछ भी नहीं जो डरता